महाराष्ट्र के धुलिया शहर में धुलिया शहर के आमदार के हाथों अपंग लोगों को नया पीला राशन कार्ड वाटप का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें करीब 38 अपंग लोगों को पीला राशन कार्ड बांटा गया। याद रहे, इससे पहले भी धुलिया शहर के आमदार के हाथों 22 पीला राशन कार्ड अपंग लोगों को बांटा गया और आमदार साहब ने बताया कि मुझे करीब 250 अर्जियां मिली है, जिनका काम अभी प्रोसेस में है, बहुत जल्द उनका काम पूरा हो जाएगा। हमने इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से माजूरों को, अपाहिजों को पीला रेशन कार्ड तकसीम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम किया है और मैं समझता हूँ कि हम जिस वक्त से आमदार कहकर सुनकर आए, हमने सभी छोटी बातों बड़ी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसा कि शहर के तरक्याती काम हो, हर आवाम को पानी मिलना चाहिए, गटरों का इंतज़ाम होना चाहिए, सड़कों का इंतज़ाम होना चाहिए, उसके साथ साथ तरक्याती कामों के साथ जो हमारे लोगों के जो छोटे मोटे मसाइल रहते हैं अक्सर उनको दूरअंदाज किया गया है, लेकिन हमने सभी बातों पर ध्यान रखते हुए, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, जब भी गरीबों को लॉकडाउन के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अनाज की, उस वक्त हमने अपने ज़ाती खर्च से भी अनाज मुहैया करके दिया। उसके बाद सरकार से हमने हमारे शहर के लिए 6,000 लोगों का कोटा बढ़ाकर मंजूर करके लाया और गरीबों तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कई मरतबा ऐसी शिकायतें आ रही थी कि हीरे मेडिकल कॉलेज में और जूने सिविल हॉस्पिटल में जो गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं की जाती, इसलिए हमने दोनों जिम्मेदारान को बुलाया, अधिष्ठाता को और सिविल सर्जन को, और उनको ये आदेश किया कि कोई भी गरीब आदमी को बाहर। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हीरे मेडिकल कॉलेज में भी और जूना सिविल हॉस्पिटल में भी तमाम दवाइयाँ उपलब्ध मुहैया की गई है, और अगर किसी गरीब को वहाँ पर दवाई नहीं दी जाती है तो हमारे पास आकर वो हमसे शिकायत करे, हम पूरी तरह से उनको पूरी दवाई दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो अपाहिज लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, अपंग लोग हैं, इनके तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, हमने उन पर ध्यान देना शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल मैंने अपने स्थानीय विकास निधि से 80 अपाहिजों को, 80 अपंग लोगों को 3 चाकी साइकिल का वाटप किया था, और आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंत्योदय के जो पीले रेशन कार्ड है उसका वाटप हमने किया है, तकरीबन 100 पीले रेशन कार्ड मैंने अपाहिज लोगों के लिए मंजूर कराए हैं, और इसके आगे भी मैं पूरे शहर की आवाम से ये विनंती करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जिस तरह की भी समस्या है आपकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। आज इस प्रोग्राम के सदर हमारे धुलिया शहर के हरदिल अजीज आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब, उनके साथ मंच पे मौजूद सलीम भाई, हमारे एमआईएम के जिलाध्यक्ष यूसुफ भाई, नगर सेवक सईद बेग, कैसर भाई, नासिर पठान, हमारी मुंबई की आई हुई सहेली जोहरा खान और फातिमा आपा, हमारे लोगों को एक पीला रेशन कार्ड का आमदार साहब की कोशिशों की वजह से वो उनके घरों तक आज पहुंच रहा है। हमारे कैसर भाई ने अभी दो मिनट पहले कहा कि हर घर में चूल्हा जलना बहुत बड़ी बात रहती है। हमने देखा कि कोरोना के बाद लोगों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, कामकाज की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी दौरान अगर ऐसे हालात में किसी के घर पे चूल्हा जा सके, किसी के पेट में तो निवाला पहुँच सके, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हमने देखा कि धुलिया शहर में बहुत सारे राजनीतिक घटनाएं घटी, बहुत सारे आमदार आए, इनको ये बात काम आज भी बहुत चिल्लर लगता है, पर हमको पता है छोटे छोटे घरों में जब अनाज नहीं रहता, खाना नहीं पकता है, वो घरों की हालत क्या रहती है, और यही आमदार साहब को एहसास हुआ, इस बात का एहसास हुआ, और इन्होंने वो मन पे ठान ली कि नहीं, ये लोगों को हक है, उनका ये अनाज उनको मिलना चाहिए।
अभी तो कुछ दिन पहले ही साहब ने डिक्लेयर ही किया था कि अपने को ऐसा काम करना है और बहुत कम समय में। मैं तो हैरत में, हम लोग सब आज भी हैरत में कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे हो सका। यही बात है कि ये राशन कार्ड का तो है ही, पर साहब ने अभी बस स्टैंड पे 3 महीने से वो लोग संपर्क रही है। वो लोग सिर्फ 4 दिन पहले साहब को मिलने आए कि साहब हमारी समस्या ऐसी ऐसी है, हमारे घर के हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। तो साहब ने ठीक है क्या आपकी समस्या है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर में अनाज नहीं है। तो 100 लोगों को कल साहब ने अनाज पहुँचाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं, सिविल के भी हैं, सिविल के भी बहुत सारे औरतें आ रहे थे कि साहब दवा गोलियाँ नहीं मिल रही है, सिविल में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तुरंत साहब ने वहाँ फ़ोन किया, वहाँ इन लोगों को बोला, अधिकारियों को, लोगों की मीटिंग की और बोले अगर हमारे आवाम को अगर दवा गोली नहीं मिल रही है तो हम वहाँ आंदोलन भी छेड़ेंगे और आपका दवाखाना भी बंद कर देंगे। तो भगवान की दुआ से वहाँ पर भी लोगों हो, अपने काम भी हो और आने वाले 15 साल तक यही आमदार हमें मिले और हमारे दुनिया का नक्शा बदल जाए। तारीख से रोशनी की तरफ, जहालत से इल्म इरफा की तरफ, तारीख से रोशनी की तरफ, जहालत से इल्म इरफा की तरफ, आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाए कामयाबी की तरफ। आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुसल करके, जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुसल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। फुकट का पानी रहता है लेकिन उसके लिए भी बेचैन हो जाती है, और जब उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, जब उनके आगे अनाज नहीं होता, जब उनके आगे रोटी नहीं होती तो उसमें क्या बीतती होगी, ये सिर्फ वही जानती है। बुजुर्गों दोस्तों, आज यहाँ पर सभी इमाम पक्ष के पदाधिकारी जमा है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर, और मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि जितने जिम्मेदारान हैं सभी इसी तरह प्रोग्राम में आए। देखो दोस्तों, हम